Hey guys, welcome to the fourth episode of Ask BB. और ये वाला episode पिछले वाले से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि पिछले तीन episode में आप लोग सवाल पूछ रहे थे मुझसे, लेकिन इस वाले इस particular episode में आप सवाल पूछ रहे हैं इन सब से. किसका आइडिया था ये? तुम्हें पता है कैसे जवाब मिलने वाले हैं? पूछ लिए तो चलो. यार आज बीबी में इस बार बहुत सारे सवाल आए हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं आए, बंछोड़दा समीर पापा टीटू मामा आपके लिए भी आए. अच्छा पूछ देखे तो लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं. पहला सवाल समीर से है. समीर, दिन भर क्या करता रहता है तू? वो जो तू कभी अपने सपने में भी नहीं कर पाएगा, फैक्स. फैक्स तो मैं भी करता हूँ रोज ऑफिस में. अंकल आप A4 फीट पे करते हो, मैं बेड फीट पे. मतलब चलो अगला सवाल टीटू मामा के लिए. बंछोड़दा जरा पानी लेके आ तो. बंछोड़दा कान में रुई फंसा रखी है क्या? तब से नाम ले रहा हूँ, सुनाई नहीं देता. मामा जी मैंने लाइक ऐप यूज कर रहा हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऐप है. इसके 4D फिल्टर फीचर से मैं गायब भी हो सकता हूँ, और मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ, शक्तिमान बन सकता हूँ मैं. देखो मैं तेरी शक्ल पे फिल्टर बनता भी है. मुर्गी को एड्स हो गया, वो ऐसी शक्ल है, जा पानी लेके आ. टीटू मामा आपके लिए सवाल है, व्हाट वाज द एज व्हेन यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी? किसने पूछा ये सवाल? असद. है बेटा असद, जब तू सिर्फ है ख्याल था ना, तब मेरा रिकॉर्ड कमाल था. मर्दों को उनकी इनकम और वर्जिनिटी का जख्म सताता रहता है. मुझसे तो पूछ लिया, आइंदा किसी से मत पूछना. बेंचो भाई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार लक विश कर दे. यार ये तो वही बात हो गई कि चेतन भगत को बोल दिया नच बलिए का जज बन जा. इसकी दुआ उल्टी पड़ जाएगी मेरे भाई. चुप कर वैंचो. भाई ऐसे लोग तुम्हें हर कदम पर मिलेंगे, लेकिन ना इग्नोर करना सीखो वैंचो, मेरे से सीखो. मैं ना इग्नोर करना सीख गया हूँ, अब एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ. और जहां तक एग्जाम की बात है, तो इतनी टेंशन होनी नहीं चाहिए. बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने बहुत आसान है. मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि असली दिक्कत तुम्हारी शुरू होगी कॉलेज के बाद, और तब तक कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. लाइफ को एंजॉय करो, मस्ती करो, और स्ट्रेस लेने का कुछ फायदा नहीं है. फेल भी हो गए तो क्या हो गया मतलब लाइफ में ना. अभी हमारे भी शुरू होंगे अगले महीने से. सिलेबस क्या है? मेरे से. हेलो बीबी, आई एम समीर. आई गॉट फैसिनेटेड व्हेन आई फर्स्ट ऑब्जर्व्ड योर टैलेंट. माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू टू मेंटेन योर हेयर? आई मीन टू स्ट्रेंथन देम, टू लेट देम ग्रो मोर. एडवाइस मी एज माय हेयर आर इन वेरी बैड कंडीशन. यार मैं तेल लगाता हूँ सांडे का, कोकोनट ऑयल लगाता हूँ, और रेगुलर वॉश करता हूँ. उसको बोल वो वाला शैम्पू भी लगाए जो मैंने दीवार से निकाल के बालों में लगाया था, स्पाइक बन जाएंगे. नहीं वो नहीं लगाएगा तो चलेगा, नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर लगा काम हो जाएगा. भाई समीर यार लड़की पटाने के टिप्स दे दे अपने ग्रैंडफादर का थोड़ा एक्सपीरियंस यूज करके. लड़की पटाने का सबसे आसान तरीका है नेवर ट्राई टू फूल हर. अगर दिल से पफन करता है तो वो समझ जाएगी, अगर बुरे इरादे रखेगा तो भी समझ जाएगी. एक्ट स्मार्ट नॉट ओवर स्मार्ट. टीटू मामा आखिरी बार टट्टी कब करी थी? आजा सूंघ ले पता चल जाएगा. मैं कैसे सवाल पूछते हैं बच्चे आजकल. Hey Bancho, what are your future plans apart from joining your family business? यार मुझे future का कुछ पता ही नहीं है Bancho, क्या करना है मतलब ना, मेरा बड़ा चंचल सा मन है. मुझे कभी architect बनना है, कभी painter बनना है, कभी music करना है, कभी astronaut बनना है. मतलब जॉनी भाई बनना है? नहीं, मुझे ना rockstar बनना है. मुझे उछलना है, कूदना है, jump करना है. उसको rockstar नहीं popcorn कहते हैं. जलते तवे पर अपने हुत्तर रख दे, अपने आप फुदकने लगेगा. मेरे से With a name like Bhuvan Bam, which I am sure would so often be pronounced wrong, how difficult was it to go through school? And believe me, my name is much funnier than yours. Aro Gupta. How is it funny? Well, I have a unique surname Bam, और स्कूल में मुझे काफी झंडू बाम बोलते थे. मुझे बचपन में बड़ा अजीब सा लगता था और बुरा भी लगता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं. बट जैसे जैसे बड़ा होता गया, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने अपने खुद के नाम का मजाक उड़ा लिया तो सामने वाले के पास हंसने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. अगर आप अपने नाम पे हंस लोगे तो सामने वाला क्यों हंसेगा? वो तो कहेगा ये तो अपने नाम पे हंस रहा है, इसके नाम पे और क्या हंसे. तो इसलिए मैंने कोड क्रैक किया. जब भी कोई मुझे बोलता था वे झंडू बाम, तो मैं बोलता था आ जा लग जाऊं. मुझे तो मेरे फरनेम की वजह से किसी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया. अगला क्वेश्चन है समीर के लिए. किसी लड़की ने पूछा है समीर जी डिफाइन लव. पहली बार किसी लड़की ने जी बोला, उसको सुनकर जो मन में लड्डू फूटा उसको लव कहते हैं. लव कैनॉट बी डिफाइंड, इट कैन ओनली बी फेल्ट.
मोहब्बत करना फक्के बफ की बात नहीं, उसमें लुटना पड़ता है, जरूरत के टाइम जरूरी चीजों को उठना पड़ता है। मामा अरुण पूछ रहा है, टीटू मामा जी, व्हेन आर वी गोइंग टू सी योर वाइफ? अरुण तू हमारा फैमिली डॉक्टर है, मेरी बीवी कोई नेटफ्लिक्स का स्पेशल एपिसोड है जो तू उसको देखना चाहता है, क्या करेगा देख के? वैसे भी वो घर से बाहर निकलती नहीं, जिस दिन निकलेगी तू देख लेना, फिर मैं तुझे देख लूंगा। पापा फाइनली आपके लिए सवाल है। अच्छा 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 बबलू जी, आपने कभी स्कूटी पे खुद से जाके पानी पूरी खाया है? हाँ हाँ बेटा, मैं इसकी मम्मी को बहुत बार ले गया हूँ स्कूटी पे पानी पूरी खिलाने, और हम हर सैटरडे जाते हैं वहाँ पे, जाके हम थोड़ा तीखा वाला खाते हैं क्योंकि इसकी मम्मी को पसंद है। अब मुझे थोड़ा कम तीखा पसंद है तो मैं थोड़ा कम तीखा खाता हूँ, और उसके बाद एक सूखी भेल भी खा लेते हैं नहीं। उसके बाद हम निकल के थोड़ा आगे चौक पे जाके बुड्ढी के बाल भी खा लेते हैं, फिर आगे से वो लेफ्ट लेके हम वहां से घर का सामान भी ले आते हैं, और उसके पापा बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा दो ना। थोड़ा ज्यादा बोल गया, वो पहली बार किसी ने सवाल पूछा तो उत्सुक हो गया। बैंचो तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? हाथ में दर्द है थोड़ा। भुवन, आर यू फीलिंग एनी कॉम्पिटिशन बिकॉज इन रीसेंट टाइम्स मेनी न्यू इंडियन यूट्यूबर्स आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड दे आर रेगुलर? कॉम्पिटिशन कैसा है? ह्यूमर में, मैं हमेशा बोलता हूँ, ह्यूमर में, म्यूजिक में, क्रिएटिव किसी भी चीज में कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। किसी को मेरी कॉमेडी पसंद है, किसी को उनकी कॉमेडी पसंद है, किसी को सब देखना पसंद है, तो ऐसा कॉम्पिटिशन कभी है ही नहीं। वॉट विल बी योर फीलिंग इफ दे विल सरपास यू इन फ्यूचर? मैं किसी से आगे नहीं हूँ अभी कि जो मुझे सरपास करेंगे। हम शायद सब एक ही पेज पे हैं, हम लोग दूसरों को हंसा रहे हैं, एंड आई एम श्योर वो भी ये सब यही सोचते हैं कि कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए नंबर का गेम खत्म। फर्स्ट जो माइलस्टोन था मेरा 1 मिलियन का, वो मुझे पार करना था, उसके बाद मेरा सारा मोह खत्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि बस अब कंटेंट बनाना है और अच्छा कंटेंट देना है, और इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी लेता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, सब भाई लोग हैं आपस में। समीर, व्हेन आर यू मैरिंग ब्रो, या सिर्फ पलंग और हाथ ही हिलाना है? हाथ हिलाना मैंने कई साल पहले बंद कर दिया, शादी करके क्या करना, दिल टूटे इससे बेहतर पलंग टूट जाए। मामा ये वाला सवाल आपको पसंद आएगा। टीटू मामा, गिव मी सम लव एडवाइस इन योर स्टाइल। बेटा प्यार के बारे में कोई एडवाइस नहीं दे सकता, इंसान अनुभव से सीखता है। मैं भी अनुभव से सीखा था, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसने मुझे सिखाया कि प्यार ऐसा करो कि सामने वाला भी तुम्हें प्यार करने पर मजबूर हो जाए, लेकिन सामने वाले पर जबरदस्ती अपनी मोहब्बत थोपना तुच्छेपन की निशानी है। एंड लव नीड्स पेशेंस। बेसब्री से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं, सड़क पर तुमने देखा ही होगा। बैंचो, आफ्टर नोइंग दैट जॉनी सिंस हैड स्टार्टेड फॉलोइंग भुवन, देन व्हाट डू यू प्रेफर, हकीम और जॉनी सिंस, इफ यू नो दैट? जॉनी सिंस फॉलो कर रहे तुझे? हाँ, ट्विटर पे। उसको बोल मुझे भी फॉलो करे बैंचो। बेटा वो अगर तुझे फॉलो करने पे आ गया तो तेरी लेके मानेगा। किसकी बात हो रही है? पापा कुछ नहीं यार, मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। पूछ लेंगे पापा। अगला मेरे से, व्हाट डिड यू सी इन दैट पेपर एंड गॉट एंग्री, एंड व्हाई डिड यू क्राई इन संगू तेरे? आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, एंड में मैं मर जाता हूँ, द गाय डाइज इन द एंड। और वो कैसे पता लगता है कि बीच में गाने के फोन आता है, मेरे को फोन आता है जब मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, एंड देन अचानक एक फोन आता है एंड आई गेट अपसेट, और उसके इमीडिएटली अगले शॉट में हमें पता लगता है कि वो एक क्लिनिक में बैठा हुआ है, क्योंकि पीछे ग्रीन पर्दा है और बहुत कम लोगों ने उसको मिस किया है, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है वो समझ गए थे इमीडिएटली कि ये क्लिनिक में बैठा है और ये अपसेट है। तो वो है कि वो वहाँ अपनी रिपोर्ट लेने जाता है, एंड देन द स्टोरी प्रोग्रेसेस, फिर आगे जाके वो फिर रोता है, तो उसको रियलाइज होता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड नाउ मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे उस लड़की से प्यार करना है, एंड दिस वॉज अ स्टोरी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला समीर के लिए है। समीर, भुवन वॉज ऑसम इन संगू तेरे, बट वी वुड लाइक टू सी समीर सिंग दैट सॉन्ग। देखो हल हल मही है। मूविंग ऑन फार, अगला सवाल क्या है? यार मुझसे कोई सवाल पूछ नहीं रहा तो मैं ही पूछ लेता हूँ तुमसे। हाँ पूछो ना। अरे ये तो तेरे लिए है। I have heard that you have 2 children, is that true? तेरे 2 बच्चे? नहीं अंकल, इसने तो लाखों माफूम बाथरूम में बहा दिए। क्या? अरे पापा कुछ नहीं, वो ऐसी फालतू के सवाल लोग पूछते रहते हैं, मस्ती लेते रहे, फिरकी लेते रहते लोग। अब मुझे तो, मैं पूछता हूँ। ओहो पापा, आप ही के लिए। हाँ फिनली फिनली। बबलू जी, मिसेस वर्मा के साथ आपका सही में कुछ चक्कर है? बोलो, सांप सूंघ गया क्या?
ये कैसी कैसी बातें करते हैं बच्चे आजकल के, अपने माँ बाप से भी इस तरह के सवाल करते हैं। जवाब तो दो। तेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया तुझे, अब ऐसे सवाल पूछेगा अपने बाप से? नहीं भी सिखाते तो चल लेता, जिंदगी भर सांप की तरह रेंगता नहीं रहता। अरे मेरे को देना ही नहीं है सवाल का जवाब, क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हो बच्चे? अरे छुपा लो तुम अपने बीवी बच्चे से, बता दो आज बैठ नहीं करने लगते। सवाल का जवाब क्या फालतू के सवाल? अरे वो तो बच्चे ने मासूमियत से पूछ लिया, नहीं तो तुम खिलाड़ियों खेलते रहते 20 साल और। तो ये था आप बीवी का होता एपिसोड और ये है यूथियापा का मरहंडाइव। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाओ और अपनी पर्सनल टी-शर्ट ले लो। अभी मेरे नहाने का टाइम है, मेरी इटालियन दोस्त आती ही होगी। हेलो वेलकम। बेटा लाइक ऐप डाउनलोड करो, बहुत बढ़िया ऐप है। मैं ऐसे फालतू की मगजमारी करता नहीं, लेकिन इस ऐप के 40 फीचर ने मेरी जान ले ली है। देख इस पे वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करो, मैं तो कविता को दिखाने के लिए बहुत पागल हूँ। ये देख क्या निकल रहा है।